नमस्कार, टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थानी भाई देश विदेश के सभी प्रांतों में रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि के साथ साथ मातृभूमि को भी रोशन किया है। ऐसे ही आज हम व्यक्ति से मिलवाते हैं जो यहाँ सूरत में रहते हैं, अनिल रुंगता जी से। नमस्कार अनिल रुंगता जी, आपका टीवी राजस्थान में स्वागत है। आप राजस्थान में कहाँ से बिलोंग करते हैं और सूरत कब आए? मैं राजस्थान में झुंझुनू जिला है, वहाँ पे मंडरेला गांव है, झुंझुनू से 17 किलोमीटर दूर है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और 6 दिसंबर 1995 को मैं सूरत आया था। आपको सूरत आने के बाद यहाँ पे क्या क्या संघर्ष करना पड़ा? राजस्थान से जब भी कोई व्यापार के लिए बाहर निकलता है, राजस्थान की भूमि निश्चित तौर से वहाँ से पैसा लेके नहीं आता है, लेकिन संघर्ष और साहस ज़रूर वहाँ के लोग लेकर के आते हैं। तो राजस्थान से हम बिना कुछ पैसा लेकर के आए थे यहाँ पे। यहाँ शुरुआती स्तर पे हमने कपड़े का व्यापार किया, बिना पूंजी के, बहुत कम पूंजी से हमने व्यापार किया था। धीरे 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 उसमें अच्छी सफलता मिली। फिर 5 साल बाद धीरे धीरे उसको व्यापार को और बढ़ाने के लिए स्टॉक मार्केट में परावर्तित हो गए, लेकिन कुछ समय की परिस्थितियाँ और कुछ खास रीजनों से हमें 2-3 बार काफ़ी बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा, लेकिन उसके बाद लगातार हमने स्टॉक मार्केट में सफलता है की। 2008 में हमने NSE, BSE, MCX और आपका CDSL की मेम्बरशिप ली। उसके बाद में 2010 से हमने प्रोजेक्ट लाइन, बिल्डिंग लाइन में भी व्यापार चालू कर दिया। अभी हमने रिसेंट में 6 महीने पहले एक पिक्चर भी रिलीज की थी, भोजपुरी पिक्चर भी बनाई है, और फ्यूचर में आने वाले समय में भी हमारे नए व्यापार के काफ़ी सारे विकल्प हम खोजते रहते हैं। आपकी फैमिली में यहाँ कौन कौन रहता है? मेरी फैमिली में यहाँ पे मेरी वाइफ है और उसके अलावा 2 बच्चे हैं। आप यहाँ पे किन किन सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? राजस्थान की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, लगभग सभी सामाजिक संस्थाओं से मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन खास तौर से जिन संस्थाओं में मैं काम करता हूं, अग्रवाल समाज ट्रस्ट, अग्रवाल विद्या विहार, अग्रवाल समाज ट्रस्ट, इसके अलावा यहां एक गुजरात का सबसे बड़ा ट्रस्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वनवासी कल्याण ट्रस्ट, उसके मार्फत हम यहाँ के आदिवासी इलाकों में 270 गांवों में हम काम कर रहे हैं। हर गांव में हमारा चिकित्सालय जैसा चलता है, वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था हम करते हैं, और वहाँ आदिवासी लोग, वनवासी लोग हैं जो कि काफ़ी गरीब लोग होते हैं, उनको वहाँ पहाड़ी इलाका है इसलिए पानी नहीं रुकता है, इसलिए खेती की भी प्रॉब्लम होती है, रोजगार के साधन नहीं है, तो वहाँ खेती कैसे की जा सकती है ऐसी स्थिति में वो उनको सिखाते हैं, खेडूत मेला लगाते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उनको नए नए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराते हैं। इस संस्था की तरफ से यहाँ पे एक भवन भी बनाया हुआ है जिसमें हॉस्टल भी बनाया हुआ है, और उसमें वहाँ पे महिलाओं को हम सिलाई मशीन वगैरह, कड़िया या काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सिखाते हैं, कंप्यूटर की शिक्षा भी देते हैं, मोबाइल का रिपेयरिंग, यानी ये संस्था पूरे गुजरात में ऐसा कार्य करती है कि हम जो लोग सक्षम नहीं है उनको कमाने योग्य बनाए, उनको सक्षम बनाए और समाज की धारा से जोड़े, और उस संस्था में मुझे काम करके अपने मन को बहुत संतुष्टि मिलती है। इसके अलावा साध्वी रितंबरा जी, जिनका नाम पूरे देश भर में मशहूर है, उनकी संस्था है वात्सल्य ग्राम समिति। वात्सल्य ग्राम समिति के लिए हम पूरे गुजरात में काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे अहमदाबाद के पास में हमने 83 एकड़ जगह भी ली है, जहाँ पे पूरा वात्सल्य ग्राम का योजना का सपना साकार होने वाला है। उसका भूमि पूजन अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से अभी हुआ है रिसेंट में, 3-4 महीने पहले। उस संस्था के लिए हम काफ़ी काम कर रहे हैं। वात्सल्य ग्राम संस्था में जिन लोगों को, जो अनाथ बच्चे होते हैं, उनको अनाथ का अभाव नहीं, अनाथ का उनको फीलिंग नहीं दी जाती है, और उनको एक आश्रम में रखा जाता है जहां उनका घर की तरह पालन पोषण होता है। जो महिलाएं, जिनको घर से निकाल दी गई हो, उनको उनका माँ का रूप दे दिया जाता है, और जो बुढ़ी महिलाएं होती है जो अपने घर पे नहीं रह पा रही हो, जिनको निकाल दिया गया, उनको दादी का रूप, यानी एक संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, माँ, दादी, माँ, नानी और बच्चे, इन तीनों को मिला करके ऐसे घरों का निर्माण किया जा सकता है, और उनको अनाथ का भाव भी नहीं दिया जाता है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने घर में ही पल रहे हैं। और इस संस्था में रितंबरा जी ने काफ़ी जगह पे कार्य किया है, उस संस्था के साथ मैं जुड़ा हूँ, समय समय पर उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है, और हम गुजरात में इस संस्था के लिए काफ़ी कार्य करते रहते हैं। आपको राजस्थान का कल्चर कैसा लगता है?
राजस्थान की भूमि से तो मैं हूँ ही, राजस्थान का कल्चर पे मुझे गर्व है। हम जहाँ भी जाते हैं निडर और साहसी होकर व्यापार में आगे बढ़ते हैं। अपनी संस्कृति से हमें प्यार है, राजस्थान के त्योहारों से हमें प्यार है। वहाँ पे हर त्यौहार, होली का त्यौहार हम यहाँ भी मनाते हैं। होली के कार्यक्रम हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर भी करते हैं, इस बार भी हमने किया था, काफ़ी सारे लोगों को बुलाया था, वहाँ राजस्थान से कुछ डांसर वगैरह भी बुलाए थे। होली है, दिवाली है, अपने राजस्थान के जितने गणगौर है, जितने भी त्यौहार है, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और राजस्थान की हमेशा मन में याद आती रहती है, गांव की याद खासतौर से बहुत आती रहती है। आपका यहाँ पे इतना बड़ा बिजनेस है, आप अपनी फैमिली को कैसे टाइम दे पाते हैं? बिजनेस कितना भी बड़ा करो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि समय आपके पास नहीं हो। यहाँ मैं जितने भी बिजनेस कर रहा हूँ, सब में अपने पास में मेरे पास स्टाफ है, अपने गांव से लाए हुए लोग हैं, वो अपने एकदम विश्वसनीय तरीके से काम करते हैं, फैमिली मेंबर की तरह ही वो लोग काम करते हैं। इसलिए भले ही मैं अकेला लगता हूँ, लेकिन पूरी फैमिली यहाँ पे, गाँव से काफ़ी सारे लोग हैं, वो मेरी फैमिली है, इसके लिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है समय की। आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, इस कामयाबी का शेयर आपको, आप किसको देना चाहेंगे? कामयाबी एक्चुअल में आत्मविश्वास और साहस से मिलती है। इंसान जब कठिन परिस्थितियों में आता है, अपना आत्मविश्वास कायम रखता है, अपनी ईमानदारी रखता है, संयम रखता है और साहस के साथ व्यापार करता है, तो निश्चित तौर से ईश्वर भी उसका साथ देता है। मैं तो ईश्वर को ही इसमें धन्यवाद देना चाहूँगा, समाज का धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन हर आदमी को अगर आगे बढ़ना है तो निश्चित तौर से उसमें आत्मविश्वास होना ही चाहिए, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, अपने काम के प्रति वफादारी, संयम, ये सब होना चाहिए उसमें। नमस्कार अनिल रुंगटा जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया।